Your name? I'm Xu Guo Xiang. Xu Do Xiang? चाइना रेलवेज की मैंने ज़्यादा ही तारीफ कर दी तो उन्होंने मेरी ट्रेन लेट कर दी। भाई मेरा स्कैन ही नहीं हो रहा था, पता नहीं खोल ही नहीं रहा था, सारे लोग चले गए, मैं खड़ा रहेगा। तो चाइना में कितना महंगा है किराने का सामान वो देख लेता हूँ। ये पानी की बोतल है, आधा लीटर की मान लो, 3 युआन यानी कि 3 × 12 कर देना जो भी प्राइस होगा, यानी कि 36 रुपये की। और ये थोड़ी सी बड़ी है, 4 युआन। और आपकी ये कुछ जूस है, कोका कोला है आपकी, 4 युआन यानी 12×48 यानी 48 रुपीज़ की आपकी कोका कोला है। पेप्सी भी 4 युआन की है, ट्रॉपिकाना का जूस भी 4 युआन का है, यानी कि ये सब 48 रुपये। और बियर देखनी है अगर तो बियर है 5 युआन की केन है, तो यानी कि 60 रुपये की बियर है। और बड़ी वाली अगर आप बियर लोगे तो 10 यानी कि 120 रुपये की बड़ी वाली है। और ये 8 युआन की भी है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल जाएगा। और स्नीकर देखें, स्नीकर जो है 8 युआन यानी कि कुछ लगभग 96 रुपीज़ की स्नीकर है। और ये 6 युआन की यहाँ की लोकल की चॉकलेट है। तो ठीक है यार, हांगकॉन्ग से तो सस्ता है यार चाइना, पर यार यहाँ बस ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है। और ये कुछ मीट के आइटम है जो अपने लिए नहीं है। मूंगफली रखनी है यार, 8 युआन यानी कि 96 रुपये की। ये भी 8-8 युआन के हैं। ये सोच रहा हूँ कि मैं एक ट्राई कर लूँ, पर ये मुझे ये नहीं पता इसमें वेज कौन सा है। चलो देखते हैं कुछ। तो भाई ये अपनी शॉपिंग, 5 युआन की पानी की बोतल है 60 रुपये की। और ब्रेड है अपनी 10 युआन की, तो इंटू कर देना इसका 12 से, और लगभग 120 रुपये की छोटी सी ब्रेड है। और ये जूस, ये 5 60 रुपये का। ये एक स्नीकर ले लिया मैंने, ये 7 युआन की है। तो ये अपनी शॉपिंग है, आप चलते हैं। थैंक यू शीशे, थैंक यू, थैंक यू। अपना बैग रखा है यार, बैग रखा हो क्योंकि वो भारी है, इसलिए मैं छोड़ा आया था, क्योंकि उसको उठाना बहुत मुश्किल है। यस, रखा हुआ है। चलो अब थोड़ा सा कुछ खाना खा लिया जाए। चाइना में चीज़ें सस्ती हैं अकॉर्डिंग टू हांगकॉन्ग के। हांगकॉन्ग में रेट यार, ये 1 लीटर पानी मिलता है वहाँ लगभग आपका 150 रुपये। भाई अपन है शुद्ध वेजिटेरियन। अपनी जो लाइफ है ना, जो वेजिटेरियन की लाइफ आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो कुछ ऐसी है। अब पूरा जैम रखा हुआ है, ये जूस, ये ब्रेड के और भी पीसेस रखे हुए, पानी बोतल। तो अभी ट्रेन, यहाँ मैं कर रहा हूँ ट्रेन का वेट, और साथ साथ अपना लंच या फिर कह दो डिनर, क्योंकि अब ये रात के बज रहे हैं लगभग 1:30 बज चुका है। आधे घंटे बाद अपनी ट्रेन आ जाएगी, तो मैंने कुछ खा पी लिया जाए। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लगभग 25-26 युआन में जो है ना अपना पूरा ये आइटम आ गया, जो कि आगे भी काम आने वाला है। तो मैं करता हूँ अपना डिनर एंजॉय। तब तक अब जब जैसे ही ट्रेन आ जाएगी तब मिलेंगे। चाइना रेलवेज की मैंने ज़्यादा ही तारीफ कर दी, तो उन्होंने मेरी ट्रेन लेट कर दी। तो यार मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। 2:11 की मेरी ट्रेन थी, और यार अब हो गई वो 4:28, 4:28 की कर दी यार इनने। ऐसे कौन करता है यार? अब वेट करना पड़ेगा 2 घंटे और। वो देखो यार, वो जो रेड कलर का साइन बना रहा है ना, ये जो रेड कलर की लाइन आ रही है, यही वाली ट्रेन है, Z298। थोड़ी देर और बैठते हैं, 2 घंटे और करेंगे टाइम पास। सब चलेगा, सिर्फ और सिर्फ अपन ही बैठे हैं। भाई यार ट्रेन ने कर दिया मूड ख़राब। अभी 4:30 दिखा रही थी, अब दिखा रही है 5:15। बैठे बैठे अब नींद आ रही है यार। अब इसके बाद 4 घंटे ट्रेन में भी बैठना है। भाई आज की चाइनीज़ ट्रेन ने तो ना यार इंडिया की ट्रेन की याद दिला दी। काफ़ी टाइम से इंडिया की ट्रेनों का स्वाद नहीं लिया था, तो आज चाइना की ट्रेन ने याद दिला दी। अब अपनी ये वाली बैटरी भी लो हो रही है, बैटरी भी चेंज करनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ यार ट्रेन में जब बैठूँगा ना तभी चेंज करूँगा। बस यार जल्दी से ट्रेन आ जाए, 5 बजे से ज़्यादा लेट ना होना यार। मेरा क्या इंटरनेट काम करना बंद कर गया था, शायद फिनिश हो गया था, तो इस भाई ने जो है ना इंटरनेट दिया, हॉटस्पॉट दिया अपना, तब से चला हुआ था। फिर वो भी पता नहीं क्या यार, यहाँ YouTube WhatsApp VPN के साथ भी नहीं चलता। अभी भाई जूस वगैरह ही पूछ रहा था, मैंने कहा यार चलो इसको इंडियन करेंसी दी जाए। इंडियन फ्रॉम माई साइड। तो भाई हम जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो गूगल ट्रांसलेटर से कर रहे हैं, क्योंकि भाषा तो आती नहीं है और मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो भाई ट्रांसलेटर उसने नेट दिया और जूस के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं अपने होस्टों को दे रहा हूँ सब जगह। मैंने कहा एक बेचारा जब से यार इंटरनेट दे रहा था ये भाई ने यार, मैंने जो इंडियन 10 रुपये का नोट दिया उसके बदले मुझे ये डॉल दिया। मतलब यार मैं बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब भी कुछ ना कुछ दे ही दिया। हेलो, योर नेम? आई एम Xu Guo Xiang। Xu Do Xiang, थैंक यू Xu Do Xiang फॉर दिस ब्यूटीफुल डॉल। चलो ठीक है, अभी रखते हैं अंदर कैमरा। तो आखिरकार 5:19 वाले टाइम पे जो है ना अभी दिखा रही है अपनी ट्रेन और लाइन लग चुकी है। तो अपन ने भी अपना टिकट ले लिया, लगे लाइन में, बहुत टाइम ले लिया। अब बस हॉस्टल पहुंच जाऊँगा, फिर तगड़ी नींद लूँगा। आज का दिन यार बेकार हो जाएगा। एक 15 तारीख का और 16 तारीख का 2 दिन अपने बेकार हो जाएंगे यार। मैं फिर भी कोशिश करूँगा शाम को, अगर आसपास में कुछ भी हुआ ना तो कवर करूँगा मैं। फिलहाल चलते हैं अंदर की तरफ, अपनी सीट पकड़ते हैं पहले। Thank you. Bye bye. भाई मेरा स्कैन ही नहीं हो रहा था, पता नहीं खोल ही नहीं रहा था। सारे लोग चले गए, मैं खड़ा रह गया। देखो यार सबसे पीछे अपन ही है, पर यार 5 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद अपनी ट्रेन आ गई है। अब जल्दी से सीट पकड़ते हैं, बाकी की बातें फिर करेंगे। लेट्स गो। Where I need to go? 8? 16? 16? This? 16? Okay, thank you. चलो भाई अब ये भी पता चल गया कि अपनी सीट कैसे ढूंढनी है। इसमें नंबर लिखा होता है 16, तो कंपार्टमेंट नंबर 16 जाना है अपने को। ये भाई ऐसी कुछ सेटिंग वाली। तो भाई अभी अपन ने जो अपनी सीट ले ली है, इन भाई ने हेल्प की थी ऊपर बैग रखवाने में। ये अपनी सीट है। बस अब 4 घंटे के लिए सीट अच्छी है। मुझे लगा वो हार्ड सीट मिलेगी, पर नहीं यार ये ठीक है बैठने के लिए। और बस 4 घंटे का करते हैं इंतज़ार, फिर अपन उतरेंगे झांगजियाजी अपनी मंजिल पे। A few moments later. अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं पहुंच चुका हूँ झांगजियाजी। भाई अब बहुत थकान हो गई, अब आ रही है नींद। तो आज करेंगे अपन रेस्ट। थैंक यू, बाय बाय। तो इस भाई ने यार बहुत मदद की है, मुझे अभी पूरा रास्ता बता दिया, कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। तो ये अपन जा रहे हैं अपने हॉस्टल। हेयर हॉस्टल टाइम बस और बस बस 1 hour यस 1 hour ओके। तो भाई और ये भाई जो है ना ये आमिर खान के फ़ैन है। आमिर खान सर आपका जो है वही फ़ैन मिल गया चाइना में। अब जो नींद आएगी ना बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आने वाला है भाई। यहाँ के लोग ना यार कब बहुत हेल्पफुल होते हैं यार। मैं जो है जब से चाइना में आया हूँ तब से मेरे साथ कोई ना कोई है। आज ये भाई है पूरा ट्रांसलेट करके देखो बकायदा बस तक छोड़ने आया। और इससे पहले मेरे होस्ट और एक बंदा और था जो मिला था, उसने मुझे टेडी गिफ्ट किया इस रेलवे स्टेशन पर। मज़ा आ गया यार चाइना की हॉस्पिटैलिटी देख के। ओके and you and together you and me yes okay you up 我帮他一会儿 you up I pay no I pay no it's you, not you, good you go up okay I will go I will pay first।扫码成功。刷谁刷谁？喂。扫码成功。我那上面搜一下应该有多少钱。扫码成功。去找找。Why you pay? We chat pay。那照片里面有。Okay, I can sit there. 啊，找一下。What's luggage? Yes. उन्होंने बस की थी चेंज पर गलत बस पकड़ ली, जिस वजह से जो अभी उन्होंने की टैक्सी, क्योंकि बस का किराया अभी लगभग उतना ही पड़ रहा था। तो लेकिन यार भाई ने यार कहीं भी पैसे नहीं देने दिए। मैं बोल रहा हूँ तब भी नहीं दे रहा, मतलब शब्द नहीं यार। ऐसी चीज़ें मिल रही हैं चाइना में। Easy. Very hard. मतलब मेरा बैग उठा के अंदर तक छोड़ने आया यार, क्या ही बोलूँ मैं। सब कुछ पेमेंट पहले कर दिया, पैसे ले रहे यार। थैंक यू। ओके बाय, सी यू। या श्योर, बाय बाय। तो भाई इस भाई ने जो है ना बहुत हेल्प की, तो इसलिए मैंने कहा यार चलो यार 20 रुपये जो मेरे पास इंडियन करेंसी पड़ी थी वो मैंने दे दी। वो मैं उन्हीं लोगों के लिए लाया हूँ जिनको मुझे लगेगा कि हाँ यार देना चाहिए यार। बहुत हेल्पफुल था यार, मतलब ट्रेन से लेके ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, 4 साल या 5 साल आर्मी में भी काम कर चुका है, अभी जावा की पढ़ाई कर रहा था बंदा। मेरे से ट्रेन में मिला, तब से लेके अभी तक मेरे को यहाँ छोड़ने आया और मेरे को बस का किराया नहीं देने दिया, ना ही टैक्सी का। सब कुछ पे करके अब वापस यहाँ से जा रहा है, अपना पर किराया देगा, पूरा इंतज़ाम करके गया है। तो भाई अभी पहुँच गए अपन अपने हॉस्टल और ये है अपना रूम। ये वाला अपना बेड है, अभी बेडशीट बिछाएंगे, मस्त सोएंगे, करेंगे आराम। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप कल करेंगे अपन यहाँ झांगजियाजी को एक्सप्लोर। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।